सोलन में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सोलन शहर और आसपास की ऊंचाई वाली पहाड़ियों बर्फ से ढकी नजर आई। देर रात तक मौसम बेहद साफ था कि अचानक ही बादल छाए और पहले बारिश हुई और फिर अचानक बर्फ पड़ने लग गई। शहरवासियों ने जब सुबह उठकर देखा तो बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ियां और शहर ढका नजर आया, जिसे देखकर शहरवासी बेहद खुश नजर आए। हालांकि पिछले वर्ष से ये बर्फ बेहद कम थी, लेकिन ठीक 9 वर्ष से पहले ही प्रकृति ने हिमाचल वासियों को ये नायाब तोहफा दे दिया है। शहरवासियों ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि क्रिसमस के दिन सोलन में बर्फबारी होगी, लेकिन उस दिन लोगों को थोड़ा मायूस होना पड़ा। लेकिन अब अचानक से हुई बर्फबारी ने सभी को हैरत में डाल दिया है और वे बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस बर्फबारी से जहां हिमाचल में पर्यटक आएंगे, वहीं आने वाले समय में पानी की कमी भी इस बर्फबारी से दूर होगी। उन्होंने बताया कि ये बर्फबारी किसानों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि अचानक पड़ी बर्फ से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इस ठंड का भी सभी आनंद ले रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्नोफॉल हो जाएगी और बहुत ही खुशी भरा ये दिन है और पर्यटकों के लिए और हमारे आम जीवन बागवानों के लिए बहुत ही अच्छा है। और देखिए कड़कड़ाती ठंड जिस तरह से कह रहे थे नहीं पड़ रही थी और एकदम ही भगवान ने एक उपहार दिया है हमें नए साल से पहले, तो बहुत ही खुशी हो रही है। और देखिए ठंड भी बहुत लग रही है यहाँ पर कि कुछ अंदाज़ा नहीं था कि देखिए जब भी बर्फ़ पड़ती थी तो उससे पहले बारिश या मौसम ठंडा होता था पूरी तरह से। जैसे कल पूरे दिन धूप खुली रही तो किसी को अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। देखिए सुबह उठे और ये तो सेंटा का एक तरह से गिफ्ट हो गया कि हम सुबह उठे और चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। शाम को मतलब शाम के टाइम जब थोड़ा हल्की बारिश शुरू हुई और रात को 1 बजे बर्फ़ पड़ गई, तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एकदम से अचानक इतनी बर्फ़ पड़ जाएगी और इतनी ठंड हो जाएगी। इस सीज़न की पहली बारिश बर्फ़ है और ये हमेशा जो 25 जनवरी को पड़ती थी, पहले बचपन में तो पड़ती थी दिसंबर में, अब तो जनवरी पड़नी शुरू हुई थी, पर इस बर्फ़ पड़ी जो अच्छा हुआ, सबके लिए अच्छा हो गया है, खेती बाड़ी के लिए भी और हम व्यापारी भाइयों के लिए भी। तो चलो अच्छा, अब तो अच्छा हो गया, बर्फ़ पड़ गई, बारिश पड़ गई तो खेती बाड़ी के लिए भी अच्छा हो गया, शायद व्यवसाय में भी अच्छा हो जाए, इससे हम सबको खुशी है जिसकी बर्फ़ पड़ने से। पहली बर्फबारी है और दिन भर धूप खिली रही, मौसम साफ था, रात को अचानक एकाएक बर्फबारी हुई और जिससे लोग प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित हैं। इस बार शिमला हो, सोलन हो, कई स्थानों पे रात को बारिश, भारी बर्फबारी हुई है और मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कई सालों से ऐसा देखने में आया है कि भी जो है बारिश जो कम होती जा रही है मौसम अनुसार और बर्फबारी, सीधे बर्फबारी गिरती है, उससे जो है लोगों का रोमांच बढ़ा है और निचले क्षेत्र से लोग जो है पर्यटक आना जाना शुरू हो गए। इस बार जैसे बर्फबारी अचानक हुई है, थोड़ा कुछ लोग हैरानी का विषय तो है ही, लेकिन जैसे दिन भर धूप खिली हुई थी और रात को अचानक बारिश हुई, ऐसा शिमला में तो अक्सर होता है, सोलन में ऐसा पहली बार हुआ है कि रात को हल्की सी बारिश हुई और बर्फबारी हुई।